हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है स्वेतलाना, अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो तो ये देविका तुम्हारे बगल में क्या कर रही है, और अगर देविका मेरे सामने है तो तुम उसके साथ क्या करोगे? आपकी आंखें सलामत हैं, हम दोनों एक साथ आए। ये नहीं हो सकता, जैसे राव के तो एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चले स्वेतलाना, क्योंकि अगर बहुत देर यहाँ रहे और उनकी बातें सुननी पड़ी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और मेरा दिमाग खराब हुआ तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिलहाल हम जिस मकसद से आए हैं वही जरूरी है। तुम दोनों के दोस्त आने का मकसद मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने आए हो, अकेले तो कुछ नहीं कर पाए ना, इसके लिए साथ हो गए हो। सुन लिया या और कुछ सुनना बाकी है? कुछ लोग मदद के लायक नहीं होते हैं। आई टोल्ड यू हमारी गलती है यहाँ आना। Now let's just go. नहीं देविका प्लीज, मेरी खातिर रुको। रंजना देवी, आप जैसा सोच रहे हैं हम उस मकसद से नहीं आए हैं। तुम करण और मेरा हाल देखने आई हो ना, हम पे क्या गुजर रही ये देखने आई हो ना। शांति मिल गई ना तुम्हें? मिली कि नहीं? मैं जानती हूँ तुम दोनों मिलके मेरा दुख दुगना करने आए हो, लेकिन शायद आप वो नहीं जानते हैं जो हम आपको बताने आए हैं। केशव का कत्ल रंजीत यानी रक्षंदा खान के पति ने किया था। करण बेकसूर है और उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। रंजीत? लेकिन रंजीत का केशव के कत्ल से क्या ताल्लुक है?